नमस्कार, मैं रुपेश कुमार आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। जहाँ नर्मदापुरम जिले की तहसील सुहागपुर की ग्राम पंचायत सोपुर में एक मामला आया, जहाँ फरियादी जैकी अंसारी ने पुलिस थाने में यह FIR लिखाई कि कथित तीन लोग जो अपने आप को भोपाल का पत्रकार बता रहे थे, उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से 2 लाख रुपए मैंने उनको दे चुका हूं। मामला कहां से शुरू होता है, इसकी पूरी जानकारी हमने SDOP मदन मोहन समर से बात की और साथ ही सीनियर पत्रकार नीलम तिवारी जी से हमने बात की कि जो पत्रकार इनमें से एक पत्रकार जो है वो अधिमान्य पत्रकार भी हैं, तो क्या उनके ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, आनन फानन में केस बनाया है और जल्द ही उनको FIR कर अंदर मतलब जेल पहुंचा दिया गया, तो क्या ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, ये सही है? तो नीलम तिवारी जी से बात की, क्या उन्होंने कहा, हम उनकी बात भी आपको सुनाएंगे और क्या है पूरा मामला, इसमें व्यापारी के ऊपर क्या धारा लगी है और क्या व्यापारी भी इसमें दोषी है और पत्रकार जो जिनके ऊपर ये केस बना है वो इसमें कहाँ तक दोषी हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं नीलम तिवारी जी के पास चलता हूँ और उनसे हमने जो बात की है वो आपको सुनाते हैं, क्या उन्होंने कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि शोभापुर में एक घटना घटी ब्लैकमेलिंग की, उसी संबंध में हम रिसर्च कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ सुहागपुर ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सीनियर पत्रकार नीलम तिवारी जी उपस्थित हैं। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु मैं आपको परिचय करा रहा हूँ। संबंधित विषय पर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो शोभापुर में एक ब्लैकमेलिंग की घटना हुई, तो इसमें पत्रकारों का गिरफ्तार होना क्या ये नियम के अनुसार है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं, 2 लाख रुपए उनके पास से जब्त किए गए हैं और ये ही काफ़ी है उनके लिए। पुलिस को सबूत भी ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तारी की है और पत्रकार होने का मतलब या अधिमान्यता प्राप्त होने का मतलब ये नहीं रहता कि आप रंगे हाथों क्राइम करते गिरफ्तार हो जाओ और आपको वही सुविधा मिले जो आप अधिमान पत्रकार होने के नाते चाहते हो। फिलहाल पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं और ये दुखद भी है। पत्रकारिता के बदले ये एक प्रकार की दुकानदारियां चालू हो गई हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है शोभापुर कांड। सवाल ये उठता है कि आपने 2 लाख सामने वाले ने मंगी तो दिए क्यों? बस यही एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप पूरा मंतव्य स्पष्ट करती है। फिर जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए और रिकॉर्ड देखा जाए वो भी कहीं से पत्रकार कहलाने योग्य नहीं नज़र आए। जैसे कि जानकारी के अनुसार जो व्यापारी है उस पर भी पत्रोटा थाने में जो है केस बना है और जो जितेंद्र पूर्विया हैं जो उनके दोस्त हैं उन पर भी केस बना हुआ है और पत्रकार जो कि रंगे हाथ पकड़ाए गए हैं उन पर भी केस बना है। तो ये अगर पूरे मामले पे अगर बात करी जाए तो मैं आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा कि पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे। इस मामले में फरियादी और पुलिस दोनों के ऊपर स्वाभाविक रूप से उंगलियाँ उठ रही हैं, तो ये जायज है क्या? जांच का विषय है जी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि वरिष्ठ सीनियर पत्रकार नीलम तिवारी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो घटना घटी है वो एक दुखद है और साथ ही जो पुलिस की कार्रवाई है उन्होंने जो नियम है उनके तहत उनको गिरफ्तार किया है और साथ ही जो पत्रकार हैं उनका बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है। तो चलते हैं हम आगे और क्या जानकारी सामने निकल के आती है। तो आपने देखा कि वरिष्ठ सीनियर पत्रकार नीलम तिवारी जी ने अपने एक विषय रखा कि क्या हो सकता है, क्या पुलिस की जांच है, ये जो पूरा मामला है ये जांच का विषय है। साथ ही जो व्यापारी है जैकी अंसारी और जितेंद्र पूर्विया इनके खिलाफ भी पथरोटा थाने में चोरी का मामला दर्ज हुआ है धारा 411 के तहत। अब सुहागपुर में जो जैकी अंसारी है इनको क्लीन चिट मिल गई, चूंकि एक षड्यंत्र का जो मामला है वो भी उसमें धारा 120 भी लगाई गई है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो लोग हैं इनने षड्यंत्र रच के इस व्यक्ति को फंसाया। तो अब मैं आपको बताना चलते हैं SDOP मदन मोहन समर के पास कि क्या उन्होंने इन पूरे केस को लेकर कहा।
नमस्कार। तो हम उपस्थित हैं अभी SDOP मदन मोहन समर जी के साथ, और शोभापुर में एक घटना हुई। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग की और किसी व्यक्ति को, एक व्यापारी को, षड्यंत्र के तहत फंसाया। तो हम संबंधित विषय पर SDOP साहब के साथ बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई गई हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं उनके विषय में कि क्या उन धाराओं का क्या अर्थ है और क्या विषय से लगाई गई। शोभापुर में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें शोभापुर चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग भोपाल के पत्रकार बताकर एक मोहम्मद जकी करके हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो जब उनकी चौकी प्रभारी वहां पर पहुंची तो बताया गया कि उन्होंने 2 लाख रुपए मोहम्मद जकी से लिए हैं और अपनी गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं और उससे 6 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, 4 लाख रुपए की और मांग कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का मामला था। जकी द्वारा ये बताया गया था कि उसने कुछ सामान खरीदा है और ये लोग उसको धमकी दे रहे हैं कि ये चोरी का मामला है, चोरी का सामान है और तुमने खरीद लिया, इसलिए तुम जेल में सड़ जाओगे, नहीं तो ये इतने पैसे हमें दो। तो इस पे से जब उनकी तलाशी ली गई तो उसमें से 2 लाख रुपए उनके पास मौजूद मिले थे जो जकी ने दिए थे। तो इसमें उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है एक्सोर्शन का, उनको ज़बरदस्ती वसूली करने का, अड़ीबाजी का, 384 में धोखाधड़ी करके पैसे वसूल करने का, 420 में, 120 बी उसमें लगाई है षड्यंत्र की, और 1 से अधिक मूल्य में, इसलिए 34 बी उसमें लगाई है। तो ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया वहाँ। एक प्रश्न यह भी अभी देखा जा रहा है कि व्यापारी के ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, ये एक प्रश्न उठ रहा है। नहीं, ये जिन लोगों को जानकारी नहीं है वे लोग बोल रहे हैं, उसमें व्यापारी ने जो सामान लिया है वो एक्चुअल जो सामान आना था वो इंदौर से पथरोटा आ रहा था और पथरोटा से वो गायब हुआ है, इसलिए इस संबंध में पथरोटा में एक प्रकरण पंजीबद्ध है और उसमें वो लोग विवेचना कर रहे हैं और उसमें जकी और उसका जो साथी है वो आरोपी हैं उसमें। कहा जाता है कि सर यहाँ पे जो 3 पत्रकार जो भोपाल के बताए जा रहे हैं उनमें से एक अधिमान्य पत्रकार भी हैं, संपादक हैं, तो पुलिस ने आनन फानन में इतने जल्दी केस बनाया, ऐसा आरोप लगाया। रेड हैंडेड जब कोई पकड़ा गया है, संज्ञेय अपराध की सूचना है, धारा 154 CRPC में स्पष्ट उल्लेख है कि जब संज्ञेय अपराध है तो उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, तो प्रकरण पंजीबद्ध किया, उसमें अधिमान्य पत्रकार हो या कोई भी व्यक्ति हो तो भारत का जो कानून है उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। और 2 लाख रुपए रेड हैंडेड उनके पास मिले हैं तो उसमें ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उसमें क्या उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध ना हो, कोई कारण ही नहीं था प्रकरण पंजीबद्ध ना होने का, किया गया कब। तो इनकी जांच अभी प्रोसेस में है, तो क्या जांच केवल यहीं पे पुलिस करेगी या आगे कुछ। नहीं, इसने प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, थाना प्रभारी उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी विवेचना कर रहे हैं, जांच तो क्या विवेचना कर रहे हैं, और विवेचना में चूंकि साक्ष्य उपलब्ध है हमारे पास, अब अधिमान्य पत्रकार है तो उसका जो राज्य शासन के निर्देश हैं अधिमान्य पत्रकार के विरुद्ध चालान पेश करने के समय क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, उनको देखा जाएगा चालान पेश करने के टाइम पे। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि कुछ और भी प्रकरण हैं संबंधित लोगों के खिलाफ, तो उनके विषय में भी थोड़ा सा। जी, इसमें मैं आपको बता दूं, ये भोपाल के आदतन अपराधी हैं जिनमें जो वाजिद खान जो अपने आप को खबर उसका प्रदेश सत्ता का संपादक बता रहा है, उसके विरुद्ध थाना MP नगर में अपराध नंबर 3820 जिसमें 353, 332 अर्थात शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ये RTO वालों के साथ इन्होंने करी है RTO कार्यालय में, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध है। और जो पवन सोनी है इसके विरुद्ध थाना गोविंदपुरा में प्रकरण पंजीबद्ध है 928-95 मारपीट का और गाली गलौज का, फिर 206-95 है पिपलानी में मारपीट और गाली गलौज का, फिर 697 में है जिसमें इसने मारपीट गाली गलौज की है और वसूली की है, अपराध नंबर 757-21 अभी लेटेस्ट है, पिछले ही साल का मामला है जिसमें इसने एक्सटॉर्शन किया है, 384 जो यहाँ पर धारा लगी है वहीं लगी है, इस तरह लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करने की, मारपीट करने की, गाली गलौज करने की, साक्ष्य खराब करने की, 327 भी लगी हुई है उसमें। तो ये तो अब
काफ़ी रिकॉर्ड है इन लोगों के विरुद्ध और भोपाल में रिकॉर्ड है, इसका मतलब ये आदतन है इस तरह का अपराध करने के लिए। अब अगर पत्रकारिता की आड़ लेके कोई कर रहा है तो दैट्स सब हम क्या बता सकते हैं उसमें। हमारे लिए तो केवल आरोपी है कोई पत्रकार है या नहीं है ये विषय नहीं है हमारा। हमारा विषय ये है कि हमारे यहाँ अपराध घटित हुआ। तो आपने देखा कि हमारे साथ सोहागपुर SDOP मदन मोहन समर जी थे, जिनसे हमने बात की, जो कि शोभापुर में एक ब्लैकमेलिंग का केस हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, बधिमान पत्रकार है उसके खिलाफ जो मामला दायर हुआ है उसमें भी जांच हो रही है और नियम अनुसार हो रही है जो कि पुलिस कर रही है। दूसरा कि अगर विषय किया कहा जाए कि व्यापारी के ऊपर क्यों मुकदमा दायर नहीं हुआ, तो वो भी बताया गया कि पत्थरौटा में जो है वो केस दायर किया गया है और संबंधित विषय की जांच चल रही है और इस प्रकार से इन लोगों जो तीन लोग आपराधिक इस मामले में आए हैं वो पहले से भी इस प्रकार की एक्टिविटी करते थे। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे, जाँच चल रही है, परिणाम सामने निकल कर आएंगे। तो आपने देखा कि इस पूरे केस की हमने रिसर्च करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि क्या पूरा केस है, क्या पूरा मामला है, इसमें कौन दोषी हो सकता है, कौन दोषी नहीं हो सकता है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक सही है और क्या जो कार्रवाई की जा रही है वो कहां तक सही हो सकती है, इन सभी विषयों पर हमने जानने की कोशिश की और आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया। हमने निरंतर हम इस केस की छानबीन में लगे हुए हैं, क्या साक्ष्य निकल कर आते हैं, ये देखने वाला विषय होगा और देखते हैं क्या होता है अंतिम परिणाम। नमस्कार। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।